नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम नॉर्मल चिकन। कुछ इसमें कुछ मसाला ऐड नहीं किया। जस्ट देखिए, ये कढ़ाई हमने गरम कर लिया, इसमें दे दिया सरसों का तेल। अब इसमें जाएगा तेज़पत्ता, अब ये जीरा, प्याज डालने के बाद अच्छे से भून लिया। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमारा चिकन दे दिया यहाँ पे। अब इसको अच्छे से भून लिया। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें जाएगा जीरा पाउडर, उसमें हल्दी का पाउडर। हल्दी पाउडर देने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया। अब दिया इसमें लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको मीडियम हो कर देंगे गैस का। अब उसको तो अच्छे से मिला लिया। ये एक्चुअली ये हम हॉस्टल वाले रहने के लिए जो रहता है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें यहाँ मसाला भी नहीं होता और इतना झंझट भी नहीं है। बस इसको थोड़ा सा चीज़ों के साथ ही बना सकते हैं। मेरी माँ को ज़रा मसाला पसंद नहीं है, इसलिए हम घर पे जब भी आते हैं ना तो यही हमको खिलाते हैं। अब चिकन थोड़ा सा भून गया। होने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए कवर करेंगे और गैस के आंच को हम धीमा रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अदरक कूट लेंगे। जस्ट थोड़ा सा अदरक कूटने के बाद यहाँ पे हम डाल दिया और फिर से उसको स्टीम पे रख देंगे। 5 मिनट स्टीम होने के बाद देखिए चिकन, वो प्याज भी थोड़ा थोड़ा गलने लगा है और उसमें अब दे जाएगा धनिया का पत्ता। धनिया पत्ता ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर से इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो गया, हमारा चिकन अच्छे से पानी छोड़ दिया और तेल भी आ गया। देखिए कितने अच्छे से तेल और पानी निकल आया है चिकन से। अब इसी स्टेज पे हम फिर से उसको थोड़ा आंच को ज़्यादा करके फिर से इसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसको हम एक बाउल में साफ करेंगे। ये बिना मसाले का है, इसमें एकदम कम परिमाण का मसाला यूज़ किया है। देखिए हमारा चिकन, इसका खुशबू इतना टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें और आपका अनुभव हमको कमेंट करें। आपका कमेंट का हमारा इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।